हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे वीडियो जो भी आप लोग फॉलो करते हो, आपको पता ही होगा कि मैं कोशिश करती हूँ कि यहाँ पे किस तरीके की जगहें रहते हैं वो आप लोगों के साथ घूमने का हो, या तो हम लोग किस तरीके से अपना टाइम स्पेंड करते हैं, किस तरीके से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, वो सब चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ। तो और एक फेस्टिवल जो कि बिहार में बहुत लोकप्रिय है और लोग बहुत ही श्रद्धा से इसे मनाते हैं, वो है छठ महापर्व। आज का वीडियो छठ से ही रिलेटेड है, छठी मैया से रिलेटेड है कि इस न्यूजर्सी में भी बिहार जैसी इस लोकप्रिय त्योहार को बहुत ही अच्छा और बहुत ही श्रद्धा से यहाँ पे मनाते हैं। तो इस वीडियो में मैं वही शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ कि मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि बहुत अच्छी से, बहुत ही श्रद्धा से यहाँ पे छठ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को जरूर नहीं दिखूंगी, क्योंकि हर एक वीडियो में जो भी वीडियो रहता है उसमें मैं दिखती हूँ, बट इस वीडियो में मैं नहीं दिखूंगी। स्पेशली जो व्रती सेलिब्रेट करती है, जो किस तरीके से यहाँ पे अपने घर में सब चीजों को प्रिपेयर करती है, ये सब चीजें आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। होप करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाल जो सब्सक्राइब बटन है उसे भी प्लीज प्रेस कर दीजिएगा, और कमेंट भी जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय छठी मैया। छठ पूजा की शुरुआत नहाए खाए से शुरू हो जाती है, जिसमें जो व्रती होती है लौकी की सब्जी बनाती है और खाती है। जब आप बाहर रहते हो तो आपके लिए दोस्त ही बहुत बड़ा एक सपोर्ट होता है। तो जब भी यहाँ पे छठ का प्रिपरेशन होता है, लोग एक दूसरे की सहायता के लिए आ जाते हैं। ये प्रिपरेशन चल रही है खरना प्रसाद के लिए। खरना प्रसाद में पूरी और खीर मिलता है, जहाँ पे ये जो व्रती है वो खरना प्रसाद की तैयारी कर रही है, और साथ में जो दोस्त है वो लोग भी सब आते हैं, एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। और इधर जो है यहाँ पे पूरा सेज अच्छी तरीके से सजाया गया है, तो सब मिलके एक दूसरे का हाथ बटा के एक दूसरे का साथ मिलके ये पर्व को बहुत ही अच्छी तरीके से श्रद्धा पूर्वक मनाते हैं। अर्घ के रे बिरवा पूजन के रे बिरवा हो निर्धन पुकारे दे। सो शाम को पूजा के बाद सिंदूर भी लगाया जाता है, जो कि ऑरेंज कलर का सिंदूर लगाया जाता है, और साथ में सब एक साथ मिलके छठ मैया का गाना भी गाते हैं, जो कि सुनने में एक अलग ही आनंद पूर्वक रहता है। बाद ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे लोग महाप्रसाद बना रहे हैं। यहाँ पे मेन जो प्रसाद होता है ठेकुआ प्रसाद, उसकी तैयारी हो रही है। शाम को घाट में तैयारी के लिए भी लोग बहुत आते हैं, और जितना हो सकता है श्रद्धा के साथ एक दूसरे का साथ निभा के इस महापर्व को मनाते हैं। आपको थोड़ा भी नहीं लगेगा कि आप बाहर हो, ठीक वो ठेकुए का जो स्मेल आता है वो भी आपको फील नहीं होगा कि आप एकदम देश से बाहर हो। तो सब एक दूसरे का साथ मिल के, बड़ों के निगरानी में मिल के ये महाप्रसाद बनाते हैं। दो बार अर्घ दिया जाता है, एक सूर्यास्त होने के समय और एक सूर्योदय होने के साथ।
सो अभी शाम को सब अर्घ दे रहे हैं और बहुत ही निष्ठा के साथ सबको एक साथ एक इस घाट में अर्घ दिया जा रहा है। और ये देख के लग भी एक बार भी आपको लगेगा नहीं कि आप कहीं देश से बाहर हो, बिल्कुल वही वाला लोकगीत कान में सुनाई देता है और बहुत ही अच्छी तरीके से ये पूजा अर्पण की जाती है लोगों के साथ। और ये है सुबह के शाम समय के टाइम में जहाँ पे सूर्योदय होने के समय ये अर्घ दिया जाता है। तो ये रही हमारी व्रती जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से पूजा किया डिंपल और कितने सारे प्रसाद बनाए। हम लोगों को भी प्रसाद बना के बहुत अच्छा लगा, बहुत सच्चे मन से बहुत अच्छी तरीके से डिंपल ने पूजा किया। थैंक यू, मुझे आके बहुत अच्छा लगा डिंपल। थैंक यू। हमारे व्यूअर्स को भी थोड़ा सा आशीर्वाद दे दो। जय छठी मैया, सबको को अच्छे रखे, स्वस्थ रहे। वीडियो अच्छा लगा होगा। मुझे भी दो दिन छठ मैया के लिए प्रसाद बनाने के लिए काम मिला था, मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये सब चीजें करके और आप लोगों के साथ शेयर करके। तो चलिए वीडियो एंड करती हूँ, होप करती हूँ कि आपने वीडियो एंजॉय किया होगा। सो मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए, अच्छे रहिए, अपना खूब सारा ध्यान रखिए। बाय बाय।